गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम कर्सिव राइटिंग में जिस टॉपिक को राइट करने जा रहे हैं वो है हमारे आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स जो सीखेंगे वो है ए, अ बेबी, अ नर्स। पहले दो वर्ड्स हमारे कौन से हैं, अ बेबी और अ नर्स। ये देखिए, ये है बेबी यानी कि बी से स्टार्ट हो रहा है और नर्स स्टार्ट हो रहा है एन से। वॉवल्स के पहले हम लगाते हैं एन और कॉन्सोनेंट्स के पहले लगाते हैं हम ए, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट होता है। हम एक्चुअली वॉवल्स से पहले ए या एन नहीं लगाते, हम लगाते हैं वॉवल साउंड से पहले। अगर जो वर्ड लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसका साउंड वॉवल आ रहा है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो हम लगाते हैं एन, अदरवाइज हम लगाते हैं ए। तो बेबी ना, ये हमारे वोवल साउंड्स में नहीं आता ब, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए हम इसमें ए लगाते हैं। अब लिखना कैसे है, थ सेकंड और थर्ड लाइन से हम इसमें कर्व देते हुए ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे, फिर वापस इसको एक सर्कल बनाते हुए इसकी टेल बाहर निकाल देंगे। ये हो गया ए। अब बात करते हैं बी की। तो बी के लिए हमको क्या करना है, थर्ड लाइन से ऊपर ले जाएंगे फर्स्ट लाइन तक, फिर नीचे लाएंगे वापस घुमाकर सेकंड लाइन तक और उसकी टेल निकाल देंगे इस प्रकार। मैंने तो पेंसिल हटा ली, बट यू डोंट हैव टू। अब यहीं से कंटिन्यू करते हुए हम ए बनाएंगे, देन ऊपर ले जाकर इस प्रकार बी बनाएंगे, अभी बी हमने सीखा था, और फिर बना देंगे हम अपना वाई। तो ये बन गया बेबी, अ बेबी। ये फोटो आपको बेबी का दिखाई दे रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अब थोड़ा स्पीड के साथ अ, और ये हो गया बी ए बी वाई बेबी, अ बेबी। अगला है अ नर्स। अब इसमें कर लेते हैं अ, लिखना अभी हमने सीखा, तो अ और फिर एन यू आर एस ई। ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि हमें सारे लेटर्स पहले से ही पता है कि कौन सा लेटर कर्सिव राइटिंग में किस प्रकार बनाया जाता है, बस उनको ज्वाइन करना है। और अब तो काफी सारे पेजेस हम फिल कर चुके हैं तो हमें ज्वाइन करना भी आ गया होगा। तो चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अ एन यू आर एस और ई, अ नर्स। अब देखते हैं अगले पेजेस को। द नेक्स्ट टू वर्ड्स आर अ रोज अ ड्रम। रोज का आर क्या हमें साउंड दे रहा है, र का, और ड्रम का डी हमें ड का साउंड दे रहा है, एंड बोथ आर नॉट वॉवल साउंड्स। तो इनके पहले हमने लगा दिया अ रोज अ ड्रम। अब इसको हम लिखकर देख लेते हैं, अ आर ओ एस एंड ई, अ रोज। एंड द नेक्स्ट वन वंस मोर अ रोज, आर ओ एस ई। लेटर्स को लिखना तो हमको आता ही है और ज्वाइन करना हम सीख चुके हैं, तो अब कर्सिव राइटिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल प्रैक्टिस करनी है। ड्रम लिख लेते हैं, अ और फिर ड्रम, डी आर यू एम। और अगर आपको लेटर्स लिखने अभी ढंग से नहीं आए हैं तो पुरानी वीडियोस जिसमें मैंने लेटर्स लिखना सिखाया था उनको देखिए, और लेटर्स की पहले प्रैक्टिस करिए, ओनली लेटर्स नॉट वर्ड्स। और जब लेटर्स आपको अच्छे से आ जाए उसके बाद वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। और आपको पता है कई सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं और कई सारे सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, तो जब हमको वर्ड्स लिखना आ जाएगा वो भी स्पीडली, वी कैन राइट एनीथिंग इन कर्सिव राइटिंग। चलिए एक बार और देख लेते हैं, अ डी आर यू एंड एम, ड्रम, अ रोज और ड्रम। अब देखते हैं अगले पेज को। अगले दो वर्ड्स हमारे, या मैं बोलूं लास्ट टू वर्ड्स फॉर टुडे आर अ कैटल अ मग। ये है कैटल और ये है मग। तो देखिए, कैटल का जो साउंड है वो क से स्टार्ट हो रहा है और क हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन के जो साउंड्स होती हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए, अ कैटल अ मग। चलिए लिखते हैं, अ बनाना तो हमको आता ही है, के देखते हैं कैसे बनाते हैं। थर्ड लाइन से
फर्स्ट लाइन तक जैसे हमने बी बनाया था और फिर नीचे लाएंगे, उसके बाद एक स्मॉल आर, फिर ई, टी, टी, एल, ई, कैटल। और ये बात आपको पता होगी कि टी में जो उसको कट लगाते हैं और आई और जे में जो हम डॉट लगाते हैं वो हम लास्ट में ही लगाते हैं पूरा वर्ड लिखने के बाद। एक बार और देख लेते हैं, अ के ई टी टी एल ई कैटल, ठीक है। अगला है मग, तो चलिए इसको लिख लेते हैं अ और एम यू और जी लिखना भी आपको आता ही है, अ मग। वंस मोर, अ एम यू और जी मग। तो दीज आर द थ्री पेजेस दैट यू हैव टू फिल इन योर कर्सिव राइटिंग बुक। That's all for today. Goodbye.